ये जो डिश मेरे हाथ में है इसको छपचरू कहते हैं। छपचरू का मतलब ये है कि ये गोश्त की रोटी, यानी इस रोटी के अंदर गोश्त होता है लाइक समोसा। तो ये नगर जो वैली है इसकी एक मशहूर डिश है, और यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है बड़े शौक से खाता है, और मैं भी जब भी इस इलाके में आता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो यहाँ आकर मैं जरूर छपचरू खाता हूँ इसी थोल के इलाके में। और बड़ी मज़े की डिश है, आप जो भी आप यहाँ हैं इस इलाके में तो ज़रूर इसको टेस्ट करें, बहुत अच्छी डिश है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत वैली वादी नगर में मौजूद है। नगर के अंदर आके फिर ये जो थोल थोल हाँ थोल विलेज है, गांव है, यहाँ पे हम हैं इस वक्त। जो आप देख रहे हैं हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये इनके ये अपना हमजा का नगर के अंदर जो ट्रेडिशनल फूड है जिसे जो है वो छप छुरू कहा जाता है। बेसिकली मेरे ख्याल में ये छप जो है वो ब्रिटिश की जबान का लफ्ज़ है जिसके मानी गोश्त के हैं, और छप छुर के जो मानी है वो रोटी के हैं। ये बेसिकली एक लोकल ट्रेडिशनल जो है वो फूड की तरह एक डिश है, जिस तरह अपना हम इसे जो अपना लोकल पिज़्ज़ा, हाँ लोकल पिज़्ज़ा कह सकते हैं, जिस तरह दीगर शहरों के अंदर पिज़्ज़ा लोग खाते हैं, इस तरह यहाँ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो है इसकी इम्पोर्टेंस पिज़्ज़े की तरह है। बहुत खूबसूरत डिश है, बहुत टेस्टी है। आप जब भी गिलगित बल्तिस्तान का विज़िट करें, स्पेशली नगर में आ जाएँ, तो फिर यहाँ का जो छप छुर है उसे आप ज़रूर इन्जॉय करें।